नमस्कार, मैं चांदनी परिहार जनसमय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। विद्यार्थी मित्रों का कलेक्ट्रेट के आगे अर्धनग्न प्रदर्शन। भिम्माल पंचायत समिति की बैठक रही हंगामेदार। चेन्नई में संत लक्ष्मीदास जी मंदिर की प्रतिष्ठा आरंभ। नेहरू उद्यान में योग शिविर का आगाज। बादलों की आवाजाही के बीच गर्मी के तेवर तेज। भिन्माल में पट्टा वितरण शिविर आयोजित। सायला क्षेत्र में 20 पट्टों का वितरण। जांगिड़ महासभा के जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत। मुस्लिम भाइयों ने रोजाए इफ्तारी की। अब समाचार विस्तार से। विद्यार्थी मित्रों का कलेक्ट्रेट के आगे अर्धनग्न प्रदर्शन। जालोर संवाददाता सोमशेखर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जालोर के बैनर तले जिला मुख्यालय पर गुरुवार को भी अपनी मांगों को लेकर विद्यार्थी मित्रों का 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसके तहत विद्यार्थी मित्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने तीव्र गर्मी के बीच सड़क पर अर्धनग्न होकर शर्ट उतारते हुए पीईओ के विरुद्ध जाकर नारेबाजी की। विद्यार्थी मित्रों की प्रखर मांग है कि जहां जहां ग्राम सहायक भर्ती को लेकर धांधली हुई है, वहां पर जल्दी से जल्दी विद्यार्थी मित्रों को लगाया जाए। इस अवसर पर धरना स्थल पर मौजूद जिलाध्यक्ष कुंदन सिंह बालावत, प्रवक्ता अचलाराम मेघवाल, डूंगर सिंह परमार, हंसराज माली, मीठाराम, सतीश शर्मा, दीपाराम, कमलेश आदि बहुत से विद्यार्थी मित्र धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भिन्माल पंचायत समिति की बैठक रही हंगामेदार। भिन्माल संवाददाता चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार जिले की भिन्माल पंचायत समिति की बैठक बुधवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। 3 घंटे तक चली बैठक हंगामेदार रही। बैठक में विकास अधिकारी राकेश राज पुरोहित ने गत बैठक का ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि गत बैठकों में समस्याओं का निवारण नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की। तभी पंचायत समिति सदस्य नंद किशोर दवे ने बैठक का विरोध करते हुए बैठक की सूचना समय पर नहीं देने की बात कही। दवे ने यह भी कहा कि हमेशा बैठकें होती हैं, किंतु जन समस्याओं का समाधान नहीं होता, महज खानापूर्ति ही की जाती है। दवे ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। तभी भड़के जनप्रतिनिधियों ने ऐसी बैठकों के आयोजन पर ही सवालिया निशान लगा दिया। बाली सरपंच ने कहा कि विगत 3 बैठकों में पानी की समस्या से अवगत कराते हुए पाइपलाइन दुरुस्ती की मांग की गई थी, जो आज दिन तक सही नहीं करवाई जा सकी है। इसी तरह 3 घंटे तक चली बैठक में पानी, विद्युत, भूमिधारियों को पट्टा वितरण सहित कई मुद्दों पर बहस जारी रही। पंचायत समिति प्रधान धुकाराम पुरोहित ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों एवं सरपंचों को विश्वास दिलाया कि सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। 3 घंटे तक चली बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। चेन्नई में संत लक्ष्मीदास जी मंदिर की प्रतिष्ठा आरंभ। माली समाज ट्रस्ट की ओर से संत लक्ष्मीदास जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गुरुवार से प्रारंभ हुई। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत आज भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें जल यात्रा का आयोजन भी हुआ। माली समाज ट्रस्ट चेन्नई के अध्यक्ष शांतिलाल सुंदेशा ने बताया कि महोत्सव धूमधाम से चेन्नई के साहूकार पेट में मनाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें साधु संतों का सानिध्य रहा, जिनमें लेटा महंत रणछोड़ भारती जी महाराज, संतोष आश्रम सोजत के महंत चेतन गिरी जी महाराज, सिलेश्वर मठ उमेदाबाद के महंत रावत भारती जी महाराज एवं सुरेश्वर महादेव मठ पांडग्रा महंत पर्वत गिरी जी महाराज का सानिध्य विशेष रहा। शोभा यात्रा गाजो बाजो के साथ निकाली गई, जिसमें भव्य रथों की झांकियां भी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र थी। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार 2 जून को विष्णु यज्ञ का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। महोत्सव में राजस्थान सरकार के पूर्व CM अशोक गहलोत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, राजस्व बोर्ड के चेयरमैन OP सैनी, भाजपा सांसद देवजी पटेल, भाजपा जालोर जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, पशुपालन कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह देवासी सहित सैकड़ों समाज सेवी भाग लेंगे।
प्रतिष्ठा की जानकारी देते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान के प्रदेश महासचिव नाथू सोलंकी ने बताया कि जालो क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों के साथ समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नेहरू उद्यान में योग शिविर का आगाज। श्रीमती पुसी देवी योग एंड नेचुरोपैथी संस्थान के तत्वाधान में नेहरू उद्यान जालोर में गुरुवार 1 जून से योग शिविर का आयोजन किया गया, जो आगामी 21 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न योग प्रशिक्षित योग शिक्षकों के निर्देशन में योग सिखाए जाएंगे। इस योग शिविर में नियमित रूप से शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसमें जुगल किशोर मोर, सुखराम चौधरी, सवाराम चौधरी, कन्हैयालाल राठौड़, हेमा राम सहित कई मौजूद थे। बादलों की आवाजाही के बीच गर्मी के तेवर तेज। जालोर में गुरुवार को दिन भर बादलों की आवाजाही के बावजूद गर्मी के तेवर तेज नजर आए। दिन भर सड़कें सूनी रहीं, लोग अपने घरों में कूलर एवं पंखों के नीचे गर्मी से बचने की जुगत करते दिखे। लोग सड़कों पर इधर उधर जूस ठंडे पेय पीते नजर आ रहे थे, तो कुछ अपना शरीर व मुंह कपड़े से ढक कर चलते दिखाई पड़े, तथा देर शाम तक गर्मी बरकरार रही। भिनमाल में पट्टा वितरण शिविर आयोजित। जिले की भिनमाल पंचायत समिति के वाड़ा भाड़वी ग्राम में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान धुकाराम राजपुरोहित द्वारा लाभार्थियों को पट्टा का वितरण किया गया। शिविर में विकास अधिकारी राकेश पुरोहित एवं पंचायत प्रसार अधिकारी पोकाराम सोलंकी मौजूद रहे। प्रधान ने शिविर के दौरान पट्टों के लाभ व उपयोगिता पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पुश्तैनी जमीन किसी भी तरह से विवाद रहित है, उन्हें अपने नाम से पट्टे का आवेदन करना चाहिए। शिविर में सरपंच संगीता कंवर एवं महंत शिवगिरी जी भाड़ू भी उपस्थित थे। सायला क्षेत्र में 20 पट्टों का वितरण। सायला संवाददाता पूरा राम की रिपोर्ट के अनुसार सायला क्षेत्र के सांगाणा ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान आबादी भूमि के पट्टे ग्राम सांगाणा एवं आलवाड़ा के बीच भूमिधारियों को पट्टा का वितरण विकास अधिकारी छोगाराम बिश्नोई एवं सरपंच जमाली बानू की ओर से किया गया। साथ ही 70 नए पट्टों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर उप सरपंच कुपाराम चौधरी, राशन डीलर मानाराम मेघवाल आलवाड़ा, अयूब खान, प्रचार अधिकारी छोगाराम देवासी, ग्राम सेवक अमराराम जोशी, रोजगार सहायक बाबू खान सहित ग्राम सांगाणा एवं अलवाड़ा के ग्रामीण उपस्थित रहे। जांगीर महासभा के जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत। विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति ट्रस्ट बोराट चोखला वांगुदा जिला राजसमंद की ओर से मंदिर के अष्टम ध्वजा कार्यक्रम में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के जालोर जिलाध्यक्ष छगन लाल सुथार का पुष्प मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सायला ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जांगीर का भी भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम भाइयों ने रोजाए इफ्तियारी की। जिले भर के मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने गुरुवार को रोजा इफ्तियारी की, जिसके तहत दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल मोमिनों ने मस्जिदों एवं घरों में रोजा इफ्तियारी करते हुए रोजे खोलकर अमन चैन की कामना की। और अंत में मौसम विज्ञान में जालोर शहर का आज का तापमान अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।